ओके, इस वीडियो में देखेंगे कलेजियन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन का एक निमोनिक CLM, ठीक है, CLM मतलब क्रॉनिक लिपोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया इसकी डेफिनेशन, क्रॉनिक लिपोग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड। तो इसके मतलब से ये मीबोमियन ग्लैंड को इफेक्ट करता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कैलेजियन इज दैट इट इज़ अ नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन, ठीक है, इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन। इसके बाद इसकी इटियोलॉजी, तो इस इटियोलॉजी में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कौन कौन से होंगे, जो एज होगी उसमें चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन है। ओके, चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन है। दूसरी, हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आईलिड। लास्ट में मेटाबॉलिक फैक्टर्स लाइक किसी को डायबिटीज हो या फिर एक्सेस अल्कोहल इंटेक या फैटी ऑयली फूड, ठीक है, उन सब की वजह से कैलेजियन हो सकता है। अब उसके बाद पैथोजेनेसिस ऑफ कैलेजियन। अब ये सपोज हमारी आई बॉल है, कॉर्निया, स्क्लेरा और ये आईलिड, ठीक है। मीबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होता है, यहाँ द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आईलिड, समवट यहाँ पे ये मीबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट यहाँ पे होता है। अब उसके बाद सपोज यहाँ मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग में अगर ब्लॉकेज हो गई, ये मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग में ब्लॉकेज हो गई। अब मीबोमियन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता, सिक्रीशन ऑफ ऑयली या लिपिड लेयर ऑफ द टीयर। अब इसकी वजह से ब्लॉकेज हो गई किसी अननोन रीजन। अब ये मीबोमियन ग्लैंड ऑयल सिक्रीशन करता ही रहेगा, उसकी वजह से ऑयल सिक्रीशन यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट होने के बाद ये जो ऑयल सिक्रीशन हुआ है ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में, उसको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन बॉडी आइडेंटिफाई करेगी, और जो डिफेंस मैकेनिज्म है अपना, डिफेंस सिस्टम, एंटीबॉडीज, वो सब यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स है WBC, वो सब यहाँ इनफिल्ट्रेट करेंगे, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स होगा, उसकी वजह से अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होगा यहाँ ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द आईलिड। अब ग्रैनुलोमा फॉर्म हुआ और यहाँ मीबोमियन ग्लैंड सिक्रीट किया करता है ऑयल लिपिड लेयर, ठीक है, उसकी वजह से लिपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा अल्टीमेटली। फिर से एक बार समझो, तो सबसे पहले मीबोमियन डक्ट, मीबोमियन ग्लैंड की ओपनिंग होगी, वहाँ पे ब्लॉकेज होगा, उसकी वजह से ऑयल सिक्रीशन एक्यूमुलेट होगा, उसके बाद सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू द लिपोग्रैनुलोमेटस फॉर्मेशन। अब इसकी सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स क्या होंगे, क्योंकि ये नॉन इन्फेक्टिव कंडीशन, ठीक है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, इसकी वजह से ये एक पेनलेस कंडीशन होगी। जो कैलेजियन होगा वो पेनलेस स्वेलिंग होगी। उसके बाद ये अगर आप स्वेलिंग देखो तो ये इट इज़ अवे फ्रॉम द लिड, सॉरी, ये तो साइन में आया। दूसरी जो सिम्टम होगी वो हैवीनेस ऑफ द आईलिड, जो आईलिड होगी वो हैवी हो जाएगी, मतलब माइल्ड हैवीनेस हमको फील होगा। उसके बाद ये जो स्वेलिंग हुई है कैलेजियन, वो कॉर्निया में प्रेस होगा, ठीक है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड एस्टिगमेटिज्म होगा और अल्टीमेटली लीड्स टू द डिफेक्टिव विजन ड्यू टू द एस्टिगमेटिज्म। और जो लास्ट सिम्टम होगा वो एपिफोरा मतलब हाइपर लेक्रामेशन या एक्सेस वाटरिंग ऑफ द आई। तो ये चार सिम्टम्स होंगे, ठीक है, एक तो पेनलेस स्वेलिंग होगी, उसके बाद माइल्ड हैवीनेस ऑफ द आईलिड, डिफेक्टिव विजन ड्यू टू द इंड्यूस्ड एस्टिगमेटिज्म, और लास्ट में एपिफोरा। अब साइन कौन कौन सी होगी, तो ये जो स्वेलिंग है, ठीक है, ये अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन है, ये जो स्वेलिंग होगी वो अवे फ्रॉम, इट विल बी अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। उसके बाद अगर ये हमको इसको हम इसको पालपेट करेंगे तो ऑन पालपेशन विल फील लाइक हार्ड, ये हार्ड फर्म स्वेलिंग होगी विच विल बी नॉन टेंडर, ठीक है, पेनलेस है, इसकी वजह से नॉन टेंडर। और मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन द अपर आईलिड। रीज़न ये है कि अपर आईलिड में मीबोमियन ग्लैंड वो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है, इसके लिए अपर आईलिड में ज़्यादा दिखेगा कैलेजियन। उसके बाद जब हम आईलिड को इवर्ट करके देखेंगे ऑन द साइड ऑफ द पाल्पेब्रल कॉर्निया ट्रावा, तो हमें एक
रेडिश पर्पल एरिया दिखेगा, रेडिश पर्पल एरिया, क्योंकि जो कैलेजियन फॉर्म हुआ है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द आईलिड है, ठीक है, उसकी वजह से हमको देखने के लिए आईलिड को इवर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे हमको रेडिश पर्पल एरिया दिखेगा। और अगर कैलेजियन आईलिड मार्जिन में फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कैलेजियन। क्या, तो ये हो गए इसके साइंस एंड सिम्टम्स। अब इसका क्लिनिकल कोर्स या और कॉम्प्लिकेशन क्या होती, या तो ये कैलेजियन है वो अपने आप सेल्फ रिजोल्यूशन हो सकता है, या फिर साइज में इंक्रीज होके सिम्टम्स और साइंस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद अगर इसमें कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो इट कैन टर्न इनटू एन इंटरनल हर्डोलियम। ये कंडीशन बाद में देखेंगे, अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो इट कैन टर्न इनटू इंटरनल हर्डोलियम। दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये कैलेजियन की साइज इतनी बढ़ गई, ठीक है, कि वो उसका बर्स्टिंग ऑफ द कैलेजियन होगा, ठीक है, जो स्वेलिंग हुई है उसका बर्स्टिंग हो गई, तो उसकी वजह से अल्सर, फंगेटिंग मास, इट कैन फॉर्म फंगेटिंग मास ऑफ द स्वेलिंग। फंगेटिंग मास मतलब इसमें नेक्रोसिस भी हो सकता है और अल्सरेशन भी हो सकता है, नेक्रोसिस प्लस अल्सरेशन। लास्ट में अगर कोई, इट कैन चेंज इनटू एनी मैलिग्नेंट कंडीशन, ठीक है, मैलिग्नेंट कंडीशन लाइक सिबेशियस सेल कार्सिनोमा। ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इन द कैलेजियम। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ कैलेजियम। तो इसकी ट्रीटमेंट या तो कंजर्वेटिव हो सकती है, मेडिकली हो सकती है, या फिर सर्जिकल। ठीक है, सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में मोस्टली इसका सेल्फ रिजोल्यूशन ही करवाते हैं। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कब काम आती है, जब अगर पेशेंट को रिसेंटली, ठीक है, अभी कैलेजियन वो स्मॉल है और सॉफ्ट है, ठीक है, हार्ड नहीं हुआ अभी तक, रिसेंटली हुआ है, तो ही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में पेशेंट को हॉट कंप्रेसेस प्लस टॉपिकल एंटीबायोटिक प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी, ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एनल्जेसिक्स, ये सारे ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं, हॉट कंप्रेस, टॉपिकल एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एनल्जेसिक ड्रग्स। मोस्टली अगर रिसेंट केस हो तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही जो कैलेजियन है वो ट्रीट हो जाता है। दूसरा है मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, आईलिड को इवर्ट करके जो कैलेजियन हुआ होता है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द आईलिड, वहाँ पे जो स्वेलिंग होती है उसमें ही हम लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड। कौन सा स्टीरॉयड होता है, वो ट्राई एमसिनोलॉन। और रूट कौन सा होता है इसका, इंट्रा लीजनल इंजेक्शन ही देते हैं डायरेक्टली ऑन द स्वेलिंग, ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ आईलिड, इंट्रा लीजनल इंजेक्शन ऑफ ट्राई एमसिनोलॉन। अब तीसरा जो ट्रीटमेंट होगा सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम करते हैं इंसिशन एंड ड्रेनेज। उसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम एनेस्थीसिया लेते हैं, ठीक है, सरफेस एनेस्थीसिया। वो एनेस्थीसिया कौन सा होता है, 2% ज़ाइलोकेन। अब सरफेस एनेस्थीसिया देने के बाद इंसिशन कौन सा देते हैं हम, वर्टिकल ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द आईलिड। वर्टिकल इसलिए देते हैं टू अवॉइड द इंजरी टू द अदर मीबोमियन ग्लैंड्स और डक्ट्स। ओके, इंसिशन देने के बाद कंटेंट्स आर रिमूव, ठीक है, कंटेंट्स रिमूवल, जो इन्फ्लामेटरी कंटेंट्स थे, जो लिपोग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन था, उसको रिमूव करते हैं वाया द कैलेजियन स्कूप। अब इसके बाद रिमूव करने के बाद जो ओपनिंग इंसिशन होती है उसका क्लोज करते हैं विद हेल्प ऑफ कॉटराइजेशन। जो कॉटराइजेशन है वो किसकी मदद से करते हैं, कार्बोलिक एसिड कॉटरी, विच इज फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन बाय मिथाइलेटेड स्पिरिट। कॉटराइजेशन का मतलब क्या होता है, हम जो इंसिशन है उसमें हीट करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं वो जो ओपनिंग होती है उसको क्लोज करने के लिए। और जो
क्वाटरी हम यूज़ करते हैं वो होती है कार्बोलिक एसिड क्वाटरी, उसके बाद हम न्यूट्रलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट। लास्ट में पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स आती है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स जिसमें हम देते हैं ओरल एंटीबायोटिक्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, प्लस वही जो पहले दिए थे एंटी इन्फ्लामेटरी, प्लस एनाल्जेसिक्स, ये सारे, और पेशेंट को कहते हैं हॉट कंप्रेस करने को। ये सारी पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होती है इन द कैलोजन। तो ठीक है, सबसे पहले सरफेस एनेस्थेसिया विच इज 2% ज़ाइलोकेन, उसके बाद इंसिशन हुआ वर्टिकल इंसिशन, उसके बाद कंटेंट्स रिमूव करते विद हेल्प ऑफ कैलोजन स्कूप, लास्ट में कॉटराइजेशन टू क्लोज द इंसिशन। कॉटराइजेशन डन बाय द कार्बोलिक एसिड क्वाटरी विच इज फॉलोड बाय द न्यूट्रलाइजेशन बाय मिथाइलेटेड स्पिरिट, और लास्ट में पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जिसमें हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक्स, वो सब देने को बोलते हैं। अब अदर ट्रीटमेंट विच कैन बी डन इज डायाथर्मी जिसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रिक करंट्स, और लास्ट में प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम पेशेंट को ओरल टेट्रासाइक्लिन देते हैं फॉर प्रोफाइलैक्सिस। ओके, ये हो गई पूरी ट्रीटमेंट ऑफ द कैलोजन। तो ये है इमेज ऑफ द कैलोजन, ठीक है, हम देख सकते हैं जो स्वेलिंग हुई है वो लीड मार्जिन से दूर है, ठीक है, अब इट इज अवे फ्रॉम द लीड मार्जिन और पेनलेस स्वेलिंग होगी। अभी आईलिड को हम इवॉइड करके देखेंगे तो हमें रेडिश पर्पल एरिया दिखेगा ऑन द पोस्टीरियर आईलिड सरफेस, और इसमें अपर आईलिड इन्वॉल्व हुई होती है। अपर आईलिड इसलिए क्योंकि मेबोमन ग्लैंड्स आर मोर इन नंबर इन द अपर आईलिड। इसी के साथ ये रहा पूरा कैलोजन कंप्लीट हो गया।